दोस्तों बघारा डेयरी में आपका स्वागत है। आज आपको एक देसी नस्ल की गाय के बारे में बताया जाएगा। कई बार कई कटड़ा या कटड़िया में भी ये दिक्कत आ जाए है और हम सोचा ये पशु बेकार हो गया, इसको बेच दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने घर पर ऐसे पशु को रख सकते हैं और उससे जैसे कटड़िया है उससे हम दूध का उत्पादन पूरा मिलेगा, ना कि उसमें बहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे डेयरी पर एक गाय है जिसकी वो दिक्कत हुई थी और वो गाड़ी से गिरी थी, मैं उसको अपने घर पे लेके आ गया था। जिसके ये है वो गाय, आपको दिखाते हैं अभी, रुको। ये देसी की और थारपारकर की मिक्स है, अभी एक सारी ब्याई हुई है, ये अभी भी दूध दे रही है। और आप देखोगे तो ये पीछे का जो हाड़ है ये देख, ये पूठा है, हम देसी बात पूठा बोलते हैं। ये गाड़ी में गिरने से ये टूट गया था, ये नीचे हो गया और हमें भी ये लगा भाई अब ये गाय बछड़ा देने में दिक्कत होगी, ये होगा, ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं हुआ, ये ठीक ठाक भी आएगी और दूध भी दे रही है, बढ़िया दूध दे रही है। और अभी भी ये दोबारा से प्रेग्नेंट है, ये 6 महीने प्रेग्नेंट होगी, बहुत बढ़िया गाय है। ऐसे बस पीछे से दिखाओ भाई साहब एक बार, देखो ये कई बार अपने छोटा जो काफ होता है कटिया या कटड़ा खेलते कूदते ही पड़ जाए, उससे भी ये दिक्कत बन जाए। हर हम सोचा भाई ये तो बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा पशु अपने घर पर रख सकते हैं और ये ब्याह भी ठीक गा और कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ओके, इसका पुट्ठा आप देख पाओ चलते हुए कितना टेढ़ा हुआ है, बिल्कुल पैर में भी लैच बन गई है, गाय एक साइड बैठती है। आ जाओ देखो बेटा, बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है और पैर में भी दिक्कत है इस गाय के, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है भाई, इसके पुट्ठे में दिक्कत होगी तो ये आगे दिक्कत करेगा, ये होगा गाड़े में दिक्कत होगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे पशु को हम अपने घर पर रख सकते हैं। इसके पिछली बार का बछड़ा है, अभी इसको हम अपने घर पे रख रखा है, इसको हम अपने फार्म पे ही तैयार करेंगे डेयरी में, इसको अपनी बुग्गी के लिए तैयार कर रहे हैं हम अपने बछड़े में। अब ये 11-12 महीने का लगभग हो गया, इसको बुग्गी के लिए तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया देसी बछड़ा है। और अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, देखो ये जो आपको कुत्ता दिख रहा है गली में हटता हुआ कुत्ता नहीं है, ये है तो देसी लेकिन इसकी ग्रोथ देखो भाई, इसको अच्छा खिलाया पिला के तैयार कराया है और अपने पशुओं में किसी को भी नहीं जाने देता, ये अपने साथ ही रहता है। जैसे कोई नस्ल का कुत्ता रहता है ना ऐसे ही डॉग, पूरा वफादार भाई। इसकी ग्रोथ देखो एक बार, कोई भी नहीं कहेगा भाई ये देसी है, ये अपना देसी है, मतलब इसको खिला पिला कर पाला है। धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कोई कमी रहेगी तो भाई बताएं, उसमें अगली वीडियो में उसको सुधार के बताया जाएगा। और किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो पशुओं में, पानी की है, ऐसे कोई खाना कम करी है, इसके बारे में को भाई पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। धन्यवाद भाई, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ में घंटे बटन भी दबा दें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद भाई।